यहाँ पे ऐसे भी खड़े होके हम लोग बोर ही होंगे, तो सोच रहे कुछ अलग करते हैं। यहाँ बगल में एक FNX मॉल करके है, तो सोच रहे वहाँ पे जाके मूवी देख लेंगे। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज चुका है, हम लोग खाना ना खा के रेडी हो गए थे, तो तमिला सेठ जी भी आ गए हैं, तो ये पोजीशन खराब है। अभी छुट्टी का माहौल है ना, थोड़ा इलेक्शन वगैरह है, तो क्या हो रहा है लोकल मारने के लिए, देखते हैं अगर बात बनगी तो। दोस्तों अभी रात के 9 बज चुके हैं और हम लोग सभी लोग गाड़ी में आ गए, तो बताइए कैसा लगा फिल्म देख के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी तो हम देख रहे हैं खड़े गोडाउन में ही, और इस साइड देख रहे पूरा मार्केट। पहले कल देखे होंगे, कल का वीडियो में बहुत सा मतलब यहाँ गाड़ी सब खड़ा था, तो आज थोड़ा मार्केट खुला है, तो गोडाउन खुला तो खाली वगैरह भी हो रहा, अपना गाड़ी वगैरह सब इतना गाड़ी था, तो जगह भी बन गया यहाँ पे, अपना गाड़ी साइड में लगा हुआ है। तो आज तो बोर्डिंग चल रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मार्केट तो डाउन है ही अभी। आज तो दोस्तों कंफर्म पता है कि अपना लोडिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना भी अभी पापा बात किए सारे लोग मना ही कर दिए है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे भी खड़े होके हम लोग बोर ही होंगे, तो सोच रहे कुछ अलग करते हैं। यहाँ बगल में एक FNX मॉल करके है, तो सोच रहे वहाँ पे जाके मूवी देख लेंगे, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, मन भी बहल जाएगा। तो अभी तो मूवी बहुत सारा चल रहा है, तो उसमें सोचे कि Tiger 3 अभी चल रहा है सलमान खान वाला, तो वही देख लेंगे। और बहुत दिनों से हम लोग गए भी नहीं है, लास्ट शायद पठान देखे थे मूवी, तो उसके बाद फिर नहीं देखे है, तो आज हम लोग चले जाएंगे मूवी देखने के लिए, तो अच्छा रहेगा। और ये देखिए गाड़ी में भी सब लोग बैठे हुए हैं। तुम जाएगा मूवी देखने? हाँ जाएंगे, बहुत दिन हो गया नहीं गए। लास्ट हम लोग गए थे अवतार मूवी देखने, अवतार 2 रांची में जो लगा था उसी टाइम गए थे। तो ठीक है दोस्तों, आज तो पूरा कंफर्म हो गया कि हम लोग मूवी देखने जाएंगे, और पापा को भी अच्छा लगता है मूवी भी देखना, तो 4 बजे का इंतजार करते हैं, 4 बजे फिर हम लोग निकलेंगे। दोस्तों अभी दोपहर के 11 बज चुके हैं और हम लोग अभी भी यहीं पे बैठे हुए हैं, और धूप भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो पापा भी खाना बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों मेरे पास 2 पीस बचा हुआ था फूलगोभी जो लिए थे झारखंड में, तो खराब ना हो जाए इसके चलते बना ले रहे हैं, बना के क्लियर हो जाएगा फिर नया सब्जी आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हीरापुर चौक में मिल ही जाता है सब्जी वगैरह, तो वही जाकर ले आएंगे, तो पहले वाला खत्म कर लिए। ऐसे भी ट्रांसपोर्ट लगा, फोन लगा रहे थे सब, तो वही बता रहा अभी, तो अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पा रहा, तो लोग बैठे बैठे यही सब कर ले रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग सब्जी तो बना लिए, और अभी चावल चढ़ा दिए हैं, ये देखिए चावल अभी हमारा बन रहा है और सब्जी यहाँ बन के तैयार है। ये देखिए आलू फूल गोभी का ही सब्जी बना है, और थोड़ी देर में चावल भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अभी हमारा चावल भी बन गया, और गाड़ी को अभी घुमाकर इधर खड़ा कर दे रहे हैं, क्योंकि चेहरे पे इधर सामने में ही धूप है, तो चेहरे पे पड़ रहा था, इधर थोड़ा छाव में रहेगा तो सही रहेगा, गाड़ी भी पूरा गर्म हो जाता है अंदर से ना। गाड़ी दोस्तों हम लोग लगा ली है छाव में, और आप जा रहे खाना खाने के लिए, बस हो गया। तो देखिए यार सब्जी तो अपना वो बना था आलू फूल गोभी का। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज चुका है, हम लोग खाना ना खा के रेडी हो गए थे, तब तमिला सेठ जी भी आ गए हैं। ये देखिए हमारे सेठ जी, और भी लोग आए सब मिलने के लिए, सब हमारे सब्सक्राइब भाई हैं, और सेठ जी बोल रहे हैं माल के लिए बोल रहे हैं, तो ये पोजीशन खराब है। अभी छुट्टी का माहौल है ना, थोड़ा इलेक्शन वगैरह है, तो क्या हो रहा है लोकल मारने के लिए, देखते हैं अगर बात बनगी तो होगो मैंने मंडे से पहले नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई आ जाए इंक्वायरी तो आ भी जाए। वो तो बात सही है, लेकिन अभी छुट्टी चल रहा है, अभी तो छुट्टी का देख लीजिए, अगर होता तो ठीक है, देखते हैं लोकल मान लेते हैं। ये छोटू दिखाइयो, छोटू छोटू नाम बता दो, नाम बता दो, प्रतीक नाम, ये स्पेशल मिलने आया है बोलना। ये सब देखते हैं हमारे सब नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर लोग मिलने आते हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग मिलने आते थे। देखिए ये बाबू के साथ में, और ये इनके पापा है, ये देखिए ये भी पापा है, और देखिए और भी सब सब्सक्राइब भाई लोग आए हुए, आप लोग भैया कहाँ से आए? ये डगन्ना से। देखिए सब आते हैं, और भी सब आए थे यहाँ पे अभी, तो हमारे सेठ जी भी आ गए हैं हाल समाचार लेने के लिए, इनको गाड़ी भी दिखा दे। देखिए भाई सब और आए हुए यहाँ, आप अपना बता देते। मैं स्टेशन के पास है, नर्मदा पारा से स्टेशन, वही रहता हूँ। चलिए बहुत अच्छा, पहले भी आप आए थे, पहले भी आया था, मुलाकात नहीं आया था, मुलाकात नहीं हुई, आप चले गए थे। चलिए देखो देखो देखो, चलिए आपसे बाहर से पूछे तो बताया कि वहाँ लड़के ने पता किया, क्यों? तो वो बताया कि नहीं उन लोग निकल गए रात को। अभी दोस्तों बच्चे को बाबू को मतलब गाड़ी में बैठा दे रहे, तो बच्चे का शौक था ऐसा बैठने का करके। ब्लॉक में कई बार गाड़ी देखा तो गाड़ी में बैठने का मन करता है, कि हम लोग का छोटा सा घर है, केबिन है, और सेठ जी बोल रहे गाड़ी चलवाने के लिए, सीट पर बैठाओ गाड़ी स्टार्ट कराओ एक बार। बच्चा डर जाएगा भाई स्टार्ट करने से, अंदर बढ़िया बाबू अच्छे से बैठे, बढ़िया बच्चा लोग का शौक रहता है क्या बैठने का, शौक रहता है भाई। अब ट्रक इतना बड़ा, हमेशा घर पे रहा, कभी देखा नहीं ट्रक के अंदर क्या चीज, रोड में तो बहुत ट्रक दिखता है, लेकिन बैठ के एक शौक मिल, मेरा भी कभी बच्चा था हम लोग हाथी उठी देखते थे तो शौक करता था, चलो हाथी BS6 चलाया है दोस्तों। अभी सब्सक्राइबर भाई सबसे तो मिल लिए और चले भी गए सब, तो अब हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। मूवी का टाइम है 4 बजे और अभी 3:30 बज रहा है, कि आधा घंटा पहले ही चल जाते क्योंकि टेम्पू वगैरह मिलेगा कि नहीं, तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो गाड़ी लॉक कर दिया दोस्तों पूरा,
एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों मूवीज देने का टाइम तो हो ही गया था, हम लोग निकल ही गए देख गेट के बाहर अभी हम लोग है। तो जैसे निकले तो हमारे और सब्सक्राइब भाई भी आ गए, तो ये लोग भी उधर ही जा रहे हैं, तो हमारे लिए भी चलो अच्छा हुआ कि आप लोगों को सपोर्ट मिल जा रहा है कि हेल्प जा रहे हैं वहाँ। ठीक है चलिए चलते ही नहीं है, गाड़ी में बैठ करके हम लोग वहाँ तक लिफ्ट दे दीजिए। चलिए चलिए, थैंक यू भैया आप लिफ्ट दे दिए हमें। ठीक है भाई चलिए बाय बाय। दोस्तों अभी मॉल पे तो आ गए और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, टाइम भी सही है, टाइम से पहले पहुंच गए हम लोग, टिकट ले लिए पहले तो। दोस्तों पिक्चर देखने तो आ गए हैं, ये देखिए वो टाकीज के पास में है, लेकिन अभी 10 मिनट बाकी है तो सब लोग बाहर नहीं बैठे हुए हैं, तो काफ़ी दिन बाद आए हैं यहाँ पे अभी, क्योंकि मौका नहीं मिलता जल्दी, आज मौका मिला, छुट्टी था इलेक्शन ड्यूटी का, तो हम लोग चले आए पिक्चर देखने के लिए। तो चलिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आ करके। तो मूवीज तो देख लिया, देख सकते हैं खत्म हो गया, चल रहे गाड़ी के पास निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी रात के 9 बज चुके हैं और हम लोग सभी लोग गाड़ी में आ गए। दोस्तों पिक्चर तो बहुत ही अच्छा लगा और हम लोग का टाइम भी पास हो गया आज, क्योंकि हम लोग खड़े खड़े ऐसे ही थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो शुभम का ही मन लग गया था, पिक्चर देखने गया था बहुत दिन। और अभी भी लड़का लोग कुछ, शुभम की उम्र का लड़का लोग, सागर का भी उम्र का लड़का लोग ऐसा ऐसा है अभी भी जो बड़ा मतलब पिक्चर देखा नहीं है बड़ा सिनेमा हॉल में जाकर के, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी आते तो पूछते भी है, तो बोले कि आज तक हम सिनेमा हॉल गए नहीं, और हम लोग छोटा सा ही हम लोग का जो आदत हो गया है सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने का, तो हम लोग जाकर देखते हैं तो अच्छा लगता है। और दूसरी बात, पहले हम लोग जाते पिक्चर देखने छोटा में ना, तो लगता था कहीं मेहमान ही जा रहे हैं, पूरा घर के और लेडीज लोग भी कपड़ा उपड़ा पहन के, हम लोग भी नया कपड़ा बक्सा से निकाल के सब सिनेमा हॉल जाते थे पिक्चर देखने के लिए, लगता है कहीं मेहमान ही में जा रहे हैं, तो उसी टाइप का। अभी तो खैर सिनेमा हॉल का उतना नहीं रह गया, जब से मोबाइल आ गया है और टीवी वगैरह आ गया है तब से बहुत लोग कम कर दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग का शुरू से आदत बना हुआ है कि बड़ा पर्दा पिक्चर देखने का, तो उसका मजा ही कुछ और आता है। तो आप लोग देखे, बहुत अच्छा लगा हम लोग को पिक्चर, कोई जैसे कोई फेमस पिक्चर आता है जाकर देखते हैं टाइम मिलता, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम अपना कोई नुकसान करके जाएंगे देखने के लिए, ऐसा नहीं है, समय मिला आज समय था हम लोग के पास जाकर देख लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और कल रात में हम लोग मूवी देख के आए थे, फिर खा करके सो गए थे, तो अभी सुबह उठे तो बरस वगैरह हम लोग का हो गया, और हो सकता कि आज भी हम लोग को यहीं पर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि सेठ जी बोल रहे थे कि हो सकता है मंडे के बाद ही सब दुकान खुलेगा, और बोले थे कि लोकल का भी माल है तो देख लो, अगर वो मिल जाएगा तो वो भी भर के चल जाए, तो देखते आज क्या होता है। दोस्तों आज भी ऐसे बैठे बैठे यहीं पे इंतजार ही करना था, तो उससे अच्छा सोच रहे कि गाड़ी को पूरा साफ सफाई कर लेते गाड़ी का, तो उधर तो पेड़ के पास जितना भी है उस तो सबको हम लोग झाड़ते ही रहते हैं, लेकिन ये कभी कभी मौका मिलता है कि इसको पूरा खोल के झाड़ने का, तब इसको हटा दिए, तो पूरा नीचे से लेके पूरा गर्दा निकालेंगे, तो गाड़ी चलते रहता ना तो बहुत सारा छेद होता है गाड़ी में, तो उसी के बीच में से पूरा गर्दा भर जाता है, और यही जब गाड़ी चलेगा तब यही गर्दा उड़ के आता है ऊपर आता है, और बिस्तर में भी अपने पूरे लग जाता है, तो इसको पूरा एकदम अच्छे साथ साफ कर देते हैं। ये देखिए कितना ज्यादा गर्दा डस्ट बैठा हुआ है इस पे, दोस्तों अभी गाड़ी तो हमारा साफ हो गया, अच्छे से साफ कर दिए पूरा, और सोच रहे यहाँ पे नहाने का भी अच्छा जगह है, तो आज अगर टाइम मिला तो नहा भी लेंगे, ऐसा टाइम तो मिलेगा ही, दिन भर तो खड़े ही रहना है, तो आज हम लोग बारी बारी करके जाके नहा भी लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे तो वो भी सही रहेगा। तो ये देखिए गाड़ी अभी भी है और ये गाड़ी भी अपना सामने में खड़ा है। दोस्तों अभी सुबह तो हो गया है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं अब लोडिंग का, तो लोडिंग का तो अभी तक क्लियर हुआ नहीं था, कल भी नहीं हुआ था, तो दोस्तों आज हमारा छठ का जो है खरना है और कल जो है अर्घ पड़ेगा शाम वाला और परसों सुबह वाला, तो ये छठ के त्यौहार के टाइम में तो काफी लोग यहाँ पे नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने भी गाड़ी खड़ा है, उसमें ड्राइवर नहीं, उधर भी नहीं है, सब लोग छठ मनाने गए हुए हैं, तो माल का पोजीशन भी खराब है, तो हम लोग भी खड़े हैं अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो देखते हैं आज अगर कुछ होता है, अगर नहीं हुआ लॉन्ग टूर के लिए तो लोकल बोलेंगे सेठ जी, तो लोकल भर लेंगे, क्योंकि खड़ा खड़ा बैटरी डाउन हो जाता है तो चलेगा तो 2 पैसा भी जाएगा, अपना बैटरी वगैरह भी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि खड़े खड़े गाड़ी स्टार्ट करना पड़ता है बैटरी के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि हम लोग कहीं जा रहे हैं कि आज यहीं खड़े रह जाते हैं शनिवार ऐसे भी, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ये सब देखने को मिलेगा, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं,
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।